दोस्तों, ब्यूटीफाई रिलेशंस की सीरीज में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। हर रिश्ता एक एहसास देके जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे उसे एक पॉजिटिव पावर या पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर पाए। क्या आपने अपने जिंदगी में इन चैलेंजेस को फेस किया है कि भीड़ में भी आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, अपनों के बीच ही आप डिप्रेशन में चले गए हैं, शब्दों के कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस गए हैं, या आप सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हैं? मैंने भी अपनी ज़िंदगी का संघर्ष किया है, दर्द को महसूस किया है, फ्रस्ट्रेशन को महसूस किया है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को देखा है, लेकिन इन सब ने मुझे एक उम्मीद दी है, एक हौसला दिया है, एक मार्गदर्शन दिया है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, इन रिश्तों को निभाने के लिए। इन्होंने एक सच्चाई समझाई है कि रिश्तों का वजूद हमारे अपने वजूद के एग्जिस्टेंस या निर्माण के लिए कितना ज़रूरी है, मगर अपने आत्मसम्मान के साथ। ब्यूटीफाई रिलेशंस की इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि इन चैलेंजेस से कैसे उभरा जाए, कैसे खूबसूरत रिश्ते हमारी ज़िंदगी में पीस, हार्मनी और खुशियाँ ला सकते हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी जगह है जहाँ रिश्ते खूबसूरत बनते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इनकी सुंदरता को बढ़ाती है, रिश्तों की नींव क्या है, फील गुड फैक्टर रिश्तों में होना क्यों ज़रूरी है। मैं कोई संत या महात्मा तो नहीं, ना ही मेरी ज़िंदगी में हर रिश्ता खूबसूरत रंगों से भरा हुआ है। दोस्तों और रिश्तेदारों ने पूछा कि इतना नाजुक विषय ही क्यों? मैंने कहा, इंसान की गलतियां उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सिखा देती है। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम अपने व्यूज़ शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, ताकि रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा सकें। बाकी रिश्तों की खूबसूरती को समझ पाना उतनी बड़ी मिस्ट्री है जितना एक यूनिवर्स के स्टार्ट और एंड को समझ पाना।